अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाया फ्रूट कस्टर्ड जेली। मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए 2 किलो दूध लिया था और उसमें जो है साबित इलायची डाली थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कप में दूध लिया, और यहाँ पे ये देखिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने कस्टर्ड लिया है। यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ये मैं मिक्स कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे दूध हमारा गर्म हो चुका है, जो मिक्सचर हमने बनाया था वो मैं डालूँगी इसमें आहिस्ता आहिस्ता से। जो है मैं यहाँ पे चीनी डालूँगी, जितना आप मीठा करना चाहें उस हिसाब से आप डालें। मैंने तकरीबन 1.5 कप जो छोटे वाले होते हैं वो डाले हैं। मैंने जो खोपरा ग्राइंड किया था वो डाला है। अच्छे तरह से मिक्स कर लें। पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाले हैं, इसमें बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता देखें कस्टर्ड जो है हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। आपकी मर्ज़ी, आप कितना थिक करना चाहें। Thank you.
पे देखें कस्टर्ड हमारा तैयार है अब बिल्कुल। ये देखें अब जो है यहाँ पे मैं फ्रूट डालूँगी। पहले मैंने डाला एप्पल बारीक कटा हुआ, फिर जो है मैंने डाला बनाना जैसा कि आप देख रहे हैं, मिक्स किया। और यहाँ पे मैंने बनाई दो किस्म की जेली जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए थे, वो इसके ऊपर मैंने छिड़के, जैसे बादाम हो गए और जो है कोकोनट हो गया, और यहाँ पे जो जेली मैंने बनाई थी वो जो है मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। पहले मैंने रेड वाली डाली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, आप ही ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे मैंने दूसरा फ्लेवर जेली जो ऊपर कस्टर्ड के डाल रही हूँ। कैसी लगी आपको ये फ्रूट कस्टर्ड जेली रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास बरवक्त मौसूल हो। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।